के सिंथेटिक ट्रैक अणु में छठे राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। 3 दिनों तक चलने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सारे जिला भर से 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि नरेंद्र ठाकुर का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए ताकि मुकाम पर पहुंचा जा सके। उन्होंने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि अपनी सोच को पॉजिटिव लेकर चलें ताकि दिक्कतें पेश न आएं। उन्होंने कहा कि खेल मैदान में पूरी मेहनत से खेलना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा जा सके। मैत्रीभाव की भावना आती है और सबसे बड़ी बात जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक स्पोर्ट्समैन में बहुत ज्यादा होता है। और जिस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जिंदगी में अगर कोई बच्चा ये में ये कर ले कि जिंदगी में मैंने ये काम करना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो मेरा बच्चों आपसे यही संदेश है कि जिंदगी में आप ये ठान लें कि मैंने जिंदगी में ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, उसके लिए आप वहां से ही जुड़ जाएं और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। सबसे ज्यादा कहां से मिलती है वो स्पोर्ट से मिलती है। आप यहां की प्रतिभा का जो भी यहां प्रदर्शन आप करेंगे मुझे पूर्ण आशा है कि आप पूरी ताकत से यहां अपना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए क्योंकि कंपटीशन से निकलकर आप प्रथम आना चाहेंगे, आप यहां से मेडल जीत के जाना चाहेंगे, तो ये जो कंपटीशन की भावना है ये यहां आपको स्पोर्ट्स से मिलेगी। और एक स्पोर्ट्समैन में इस कंपटीशन जमाने में सक्सेसफुल होने के लिए मैं कहता हूं इससे बढ़िया रास्ता एक स्पोर्ट्समैन के लिए और कोई नहीं। एक बच्चे का एक स्टूडेंट का जहां शिक्षित होना बहुत जरूरी है उसके साथ साथ स्पोर्ट्समैन होना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा और स्पोर्ट्स एक बच्चे के साथ साथ चलती है और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन और साथ में एक शिक्षक नागरिक स्टूडेंट मैं समझता हूं अगर दोनों चीजें अगर एक बच्चे में है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो अपने एम को अचीव ना कर सके। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहां आप 3 दिन यहां अपनी स्पोर्ट्स की प्रतिभा का हम प्रदर्शन यहां पे आप करेंगे, पूरी स्टेट से बच्चे यहां आए हुए हैं, आप सबको आपस में इंटरेक्शन का मौका भी मिलता है, भाईचारे की भावना आपस में बढ़ती है और साथ में हम डिसिप्लिन में कैसे रहें यह बहुत जरूरी है। अट्रैक्ट हो रहा है ये भी पिछले 9 साल की बात आपको बता देना चाहूंगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो 25% बहुत बड़ी संख्या होती है 25% वो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं और ये जो केमिकल आपको चला है नारकोटिक्स
अगर बच्चों आपने एक बार मुंह में लगा लिया ना दो बार तो आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपको यह संदेश है कि इससे बिल्कुल दूर रहिए, और जब भी आपको खाली समय मिलता है, पढ़ने से जब आपको फुर्सत मिलती है, आप जरूर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को अपनाओ। बहुत बड़ा स्कोप है, और इसी आशा के साथ कि जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ जीत के जाएंगे, कुछ रन जा पाएंगे, लेकिन जो बच्चे रह जाएंगे वो कोशिश करेंगे तो अगले साल बाकी इसी ग्राउंड में नेक्स्ट ईयर फिर हमें यहाँ आपको मिलने का मौका मिलेगा, और जरूर आप अपना मेडल जीत के जाएंगे। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।